ને પણ તમારું શરૂઆત થાય એટલે તમે બીજા પેમેન્ટ લેતા જાઓ. ડાયાલિસિસ મશીનના ઘણા બધા નામ આવી ગયા છે, યોગ્ય સમયે અમે લોકો એ જાહેરાત કરી દઈશું. અને અમે અત્યારે ડે નાઇટ વર્કિંગ કરીએ છીએ, આ પ્રોગ્રામ ખતમ થાય એના પછી ખાલી ડાયાલિસિસ એકમ પર ફોકસ કરીએ છીએ. અને જેટલી જલ્દી તમે થોડી ઓલી કાલી ઓલી બધા બી પ્રજાને એનો બેનિફિટ देखिए, मैं एक सांसद के नाते मातोश्री जयाबेन हिम्मतला शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, मालतीबेन लालतीबाई गांधी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट और योगेश भाई लखानी राइट एडवर्टाइजिंग के माध्यम से यहाँ पर चीकूवाड़ी में हर साल जरूरतमंद लोगों को नोटबुक का वितरण किया जाता है, चश्मा का वितरण किया जाता है, ब्लड डोनेशन का कैंप किया जाता है और बहुत सारे लोक उपयोगी काम ये संस्था करती है. और इस साल में खुशी की ये बात है कि धानुकरवाड़ी में आने वाले दिनों में एक 25 बेड का डायलिसिस सेंटर का भी ये शुभारंभ करने जा रहे हैं. एक छोटी सी संस्था थोड़े ही दिनों में इतना बड़ा काम करते हुए मैंने 25-26 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूँ. इसलिए इनके कार्यक्रम में हर साल मैं आता हूँ. भावेश भाई और उनकी पूरी टीम बहुत ही लगन से काम करते हैं, युवाओं की एक टीम है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सभी युवा जो है वो साथ में आकर समाज के लिए काम करेंगे तो हमारा जो देश है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा. ज़रूरतमंद लोगों को जो जो आवश्यकता है वो हम समय पर उनको दे पाएंगे. इतनी बड़ी ताकत सेवाभावी संस्थाओं में होता है ये देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है, ये बहुत ही खुशी की बात है. योगी जी क्या कहना चाहेंगे आप, गोपाल जी भी हैं और आप भी हैं, इस चैरिटी के बारे में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोपाल जी के लिए थैंक यू वेरी मच कि इतना अमूल्य समय निकाल के आए. और ये चैरिटी में मेरा कुछ नहीं है, जो है वो भावेश भाई और उनका टीम का है. सिर्फ पैसा देना कुछ नहीं होता है, मेहनत करना, मैनेजमेंट करना. सुबह में 3 रात से लोग जाग रहे हैं, 400 जन का अनाज का जो पैकेट है वो पैकिंग कर रहे हैं, बुक्स जो बांट रहे हैं, जो इतना बड़ा आयोजन किया है. तो मैं मातोश्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट, भावेश भाई, उनके डैडी और उनके ट्रस्टी और उनके मेंबर, उनका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाए और मेरा इसमें कुछ भी महत्व नहीं है जितना एक भावेश भाई का है. आपका नाम? भावेश हिम्मतलाल शाह. भावेश जी बात करेंगे, कब से आप शुरुआत की आपने और कैसे ध्यान में आया कि ये चीज़ करनी चाहिए? इतनी महंगाई के दौर में जो सरकार नहीं कर पाई वो काम आपने कर दिखाया, क्या कहना? सर, सरकार तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम लोगों ने काफ़ी छोटा काम शुरुआत किया है. और 2010 में हम लोगों ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट किया था क्योंकि यही दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं. हम लोगों को भी बहुत मेहनत करना पड़ा था. बॉम्बे में 500 रुपये लेके आए थे और हर महीने यानी जो इंस्टॉलमेंट के चेक थे वो भी रिटर्न होते थे, उसके लिए मेहनत करते थे. ये सोच के हम लोगों ने कहा कि हम लोग खुद भी कुछ लोगों के लिए करें और ग्रेजुअली सब लोग हमारे साथ ज्वाइंट होते गए और आज हम लोगों के पास 100 लोगों का वॉलंटियर का पूरा ग्रुप बन गया है. कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? जैसे कि शुरुआत की थी आपने, काफिला बनता गया, कितने लोग जुड़ गए आपसे? सर, अभी हम लोगों के पास 100 लोगों वॉलंटियर का पूरा ग्रुप है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सभी यंग टीम है, सीनियर सिटीजन का टीम है, मिडिल एज, हाँ, सभी चैरिटी बेस पे करते हैं और वॉलंटियर करते हैं लोग. किसी को बुलाना नहीं पड़ता है या किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता है, अपने हिसाब से खुद के हिसाब से आ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं. आपको लगता है ये चीज़ आपको इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल तक जाएगी, आपको लगता है? नहीं सर, ऐसे ही हम लोग काम करते जाएंगे, आगे का तो मालूम नहीं है. लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरीह लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और उन लोगों को जो बेसिक नीड की ज़रूरत पड़ती है. हम लोगों ने देखा है बच्चे 500 रुपये के लिए भी तकलीफ में आ जाते हैं, स्कूल फीस नहीं भर पाते, तो नई नई एक्टिविटी करके हम लोग उन तक पहुंचना चाह रहे हैं. इस बार भी हम लोग 108 फैमिली को बच्चों को स्कूल का फीस का पैसा दे रहे हैं. कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे, कोई आपका दान की कोई रकम नहीं होती है, तो कैसे आपसे जुड़े? सर, हम लोगों का NGO रजिस्टर्ड है ATG के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है. अगर किसी को भी ज्वाइन होना हो तो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर डिटेल दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर है, ऑफिस स्टाफ है जो आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं. और एनी टाइम एक सैटरडे को आप ज्वाइन होइए, ऑटोमेटिकली आपका आगे का काम हो जाएगा क्लियर. आगे फ्यूचर प्लान क्या है आप? सर, फ्यूचर प्लान सबसे बड़ा अभी हम लोग लेके आ रहे हैं डायलिसिस सेंटर जो कांदीवली धानुकरवाड़ी में आएगा. वहाँ पर हम लोग एक पूरा फ्लोर लिया हुआ है और जो मेट्रो स्टेशन के पास में है, कांदीवली स्टेशन के पास में है, उसमें हम लोग 25 बेड इनिशियली फर्स्ट फेज में हॉस्पिटल चालू करना चाह रहे हैं. करीबन 5 लाख डायलिसिस हो जाएंगे उसके अंदर, एक बार 45 बेड हो जाएंगे तो 4 से 5 साल जो मशीन का नॉर्मल ड्यूरेशन है उसके अंदर हम लोग 5 लाख ऑपरेशन करना चाह रहे हैं पब्लिक का, जो हम लोग कंसेशनल रेट से देंगे. उसी हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मास्यूटिकल्स का दुकान है, उसी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग एक पैथोलॉजी लैब डाल रहे हैं जो कंसेशनल रेट से सभी कुछ एक्टिविटी करके देंगे. હા, શું બોલો તમે? માતુશ્રી જયાબેન હિંમતલા છે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાંથી કેટલા વર્ષથી આવો છો અહીંયા? 2 વર્ષ.
दो बार दो साल से रेगुलर यहाँ पे अनाज लेने के लिए आते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और उन्होंने तुम्हारी उम्र कितनी? 75 साल है इनका उम्र, लेकिन हर साल दो साल से यहाँ पे अनाज लेने आते हैं, लाइन में खड़े। क्यों लागे छे अनाज? कम अनाज तो हारू छे भाई। क्यों अनाज आवे छे? सारू आवे छे ना। बदले कौन कौन आपके घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, भगवान और मैं। भावेश भाई के कोई बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चा नहीं है, मर्द चले गया 10 बरस हो गया। केवू काम करे जे भावेश भाई टीम? केवू काम करे? सारू काम करे, सारू आटलू पुण्य नु काम करे, भगवान ने सुखी राखे। थैंक यू क्या कहना चाहेंगे जो आज आप टेस्ट करा रहे हैं, फ्री हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? फ्री हो रही है बराबर, थोड़ा सपोर्टिंग है, लेकिन वो जो नंबर है ना उसमें लाइटली 25 सगा लाइट दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप लोगों की जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप ના તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમારા નાના માણસને તમે બધી રીતે અનાજ અનાજ પાણીમાં આ દવા દારૂમાં બધી રીતના ટ્રીટમેન્ટમાં હેલ્પ કરો છો, આપનો આભાર। आपकी बात सही है, जैसे ये है छोटी एज की है, जस्ट 16 साल की लड़की है एंड शी इज अ डायबिटिक पेशेंट टाइप 1-2-1 शी इज अ डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट। जो डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट है इतनी छोटी एज में जनरली डायबिटीज आती नहीं है, और ये एज में उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, जो आज के कैंप के माध्यम से उसको पता नहीं था, तो आज पता चला कि उसको डायबिटिक रेटिना चेक कराना बहुत ज़रूरी है। चला कि आइस के पर्दे के पीछे डायबिटीज़ की असर होती है, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हर हफ्ते चेक कराना चाहिए, हर महीने चेक कराना चाहिए, ईयरली चेक करवाना चाहिए। आपको क्या लगा, आपने ऐसी चेक कराया, चलो जाके चेक करा? नहीं नहीं, जस्ट मुझे ऐसा लगा मेरा सर दर्द हो रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद चश्मा है, इसलिए मैंने जस्ट नॉर्मल चेक के लिए मैं इधर आई थी।